हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक और नए दिन की शुरुआत होगी और दिन की शुरुआत में ही मैं आ गई हूँ बाहर थोड़ा सा घूमने के लिए। सुबह सुबह जल्दी उठकर थोड़ा घूमना चाहिए, तो घूमने के लिए आ गई हूँ बाहर। यहीं पर घूम रही हूँ, कहीं मॉर्निंग वॉक वगैरह के लिए तो गई नहीं, बस यहीं पर घूम रही हूँ। और अब बस अनुराग को स्कूल भेजना है आज, तो उसकी तैयारियाँ करते हैं, चलते हैं। तो ये फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में और अब बनाते हैं फटाफट से ब्रेकफास्ट अनुराग के लिए। स्कूल के लिए परांठा बनाएंगे हम अनुराग के लिए, स्कूल के लिए, क्योंकि नरम रहता है परांठा और चपाती है ना, सॉफ्ट नहीं रहती उतनी ज़्यादा, इसलिए फटाफट से परांठा बनाती हूँ और फटाफट ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ अनुराग के लिए भी, उसके पापा के लिए भी। फिर मिलते हैं आपको उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाने के बाद। आज मौसम काफ़ी अच्छा है, साफ साफ सा मौसम है और धूप भी खिलने वाली है अच्छी, तो आज मुझे कपड़े वगैरह भी धोने हैं थोड़े बहुत, और साफ सफाई वगैरह करनी है, और ये सारे काम तो चलते ही रहते हैं, डेली का ही है। आज कुछ नया करने की सोचेंगे वीडियो में, देखते हैं आगे, बाद में सोचते हैं कि क्या करेंगे कुछ नया, तो बने रहिए व्लॉग में, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो ये हो गया है अनुराग के लिए लंच, यहाँ पर डाल दिया है मैंने परांठा इसमें, और ये डाल दिया है मैंने सब्जी, पनीर की सब्जी। और अनुराग आज पूरा खा के आएगा स्कूल से, और अगर अगर अभी भी खा लेना थोड़ा बहुत कुछ तो फिर बहुत अच्छी बात है। देखते हैं, अभी पूछते हैं अनुराग। अनुराग भी हो चुके रेडी अपने फेस में, थोड़ा सा आजकल खुश्की सी होती है ना, इसलिए थोड़ी क्रीम लगा रहा है। हेलो हाय कर दो, गुड मॉर्निंग कर दो। हेलो हाय, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, नाश्ता करेंगे? ब्रेकफास्ट? टाइम नहीं है, खाना नहीं है कि टाइम नहीं है? खाना नहीं है ना, इसे देख के बोलो थोड़ा। अरे टाइम नहीं, टाइम नहीं है भाई इनके पास, खाना खाने का भी टाइम नहीं है। देखा आजकल के बच्चों के पास खाना खाने का भी टाइम नहीं है। अनुराग भी चल पड़ा है स्कूल। बाय बाय, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छे से ना। कल तो गए नहीं थे आप थोड़ी ना पढ़ाई स्कूल में। बाय। तो ही फ्रेंड्स, अनुराग तो गया स्कूल और ये भी कर रहे हैं अब स्कूल जाने की तैयारी, यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट कर रहे हैं अभी। तो अभी ये भी चल पड़े हैं और मैं भी जा रही हूँ उनके साथ, कूड़ा भी फेंक आती हूँ और साथ ही साथ दूध भी ले आती हूँ। पैसा नहीं लिया अभी, पैसा भी लेना पड़ेगा। पैसा भी लेके जाते हैं और दूध भी लेके आते हैं, और साथ ही साथ ना गाड़ी भी नीचे लगी है साइड में, और इन्होंने ऑटो निकालना है, गाड़ी लगानी है, तो चलते हैं, गाड़ी भी लगाएंगे और ऑटो भी निकालेंगे और साथ ही साथ दूध भी लाऊंगी, कूड़ा भी फेंकेंगे, बहुत सारे काम। कहाँ गए थे तुम भाई? कूड़ा फेंकने? डेजी, डेजी कहाँ गई थी? डेजी देख भी नहीं रही है। यहाँ पे मिल गया था हमें रास्ते में, लोग के अंदर ये भी गया था कूड़ा फेंकने, और साथ ही साथ डेजी को भी घुमाने, और हम भी चलते हैं फटाफट से कूड़ा फेंकते हैं। हम इस वाले रास्ते से आए और जगात खाना में तो इतनी गाड़ियाँ हो गई हैं, इतनी गाड़ियाँ हो गई हैं, गाड़ी लगाने की जगह ही नहीं होती, और गाड़ी यहाँ पे मतलब गाड़ियों के पाइप वगैरह काट दिए जाते हैं यहाँ पे साइड पे, है ना यहाँ पे, इसलिए हम सोच रहे हैं, वैसे हमारी गाड़ी वो सामने लगी है तो हम सोच रहे हैं कि उसको आगे ले जाते हैं, क्योंकि इन्होंने आज ऑटो निकालना है वहाँ से, तो वहाँ पे लगा देंगे हम अपनी गाड़ी को। मैं निकाल दूँगी, निकाल दूँगी मैं, बैक कर नहीं दो आगे करने, फटाफट आ जाओ, ये पकड़ो बाल्टी, बाल्टी क्यों लेके जाऊँ, फिर बस से आ जाएगी नहीं तो, ये हमारी गाड़ी हमारी यहाँ पे, और चलो फटाफट से कूड़ा फेंक लेती हूँ, फिर नहीं तो बसेस भी आ जाती है, फिर गाड़ी लगाने की मुश्किल हो जाती है ऑटो निकालने की। ये देखो दोनों साइड इतनी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, जान दो जान दो बात और जान दो, थोड़ी सी जान दो बस बस बस। तो अभी मैं यहाँ पे निकाल दूँ गाड़ी, जरा देखती हूँ मेरी सीट काट हो रही, तो काट दो पहले तेरी का, चलो 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 चलो, नहीं निकलेगी, आन दो आन दो, निकल गई, देखो यहाँ बसें बसें खड़ी होगी, अदरवाइज अगर हम थोड़ा लेट हो जाते गाड़ी लगाने की मुश्किल हो जाती, वो बस के पीछे को मैंने गाड़ी लगा दी है,
और इन्होंने यहाँ पे ऑटो निकाल दिया है, अब ये जा रहे हैं अपने रास्ते में, जा रही हूँ अपने रास्ते। ओके बाय 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 बाय। ये रहा मेरा डेस्टिनेशन। दूध लेके आगे मैं सीधी आ गई थी इधर पानी देखने के लिए, पानी भी आ गया है और यहाँ से मैंने निकाल दिया मोटर। तो फ्रेंड्स, सारे काम फारिग करने के बाद, पानी पुनी भरने के बाद, कपड़े धोने के बाद, नहाने के बाद, सारे काम हो चुके हैं। अब मैं आ गई हूँ किचन में, मैं सुबह के दोपहर के लिए दाल में तड़का लगा लेती हूँ। इतने सारे काम होते हैं ना घर में करने के लिए, बस चाहे पूरे दिन लगे रहो काम करने, काम ही ख़त्म नहीं होते। बस ऐसे कुछ आज मौसम भी सुबह तो अच्छा था, धूप आने का हो रहा था कि धूप आ जाएगी, लेकिन बाद में देखा तो ऐसे ही हो गया मौसम, बिल्कुल बादल ही बादल है, मतलब धूप का कोई नामो निशान नहीं है। मैंने बाल भी धोए हैं और बाल मेरे गीले ही हैं अभी भी। मैं सोच रही थी कि सूख जाते तो ठीक था, मुझे बैंक भी जाना था और अभी तो 2 बजने वाले हैं, लंच लुंच हो जाएगा, तो अब मैं सोचूंगी 3 बजे के बाद जाऊंगी बैंक। और सुबह सुबह अगर बैंक जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा रश होता है वहाँ पर, तो फिर वहाँ खड़े रहना पड़ता है, इतना सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, उतने में तो मेरे कितने सारे काम हो जाएंगे, इसलिए मैं सुबह सुबह तो गई नहीं, अब जाऊँगी 3 बजे के बाद। ये लगा दिया मैंने दाल में तड़का, ये है कोल्थ की दाल और यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया चावल। 3:30 हो रहे हैं और अब मुझे जाना है बैंक, क्योंकि पहले मैं गई नहीं तो ऐसे रह गया मेरा काम, और अब 2 बजे के बाद तो मैं गई नहीं, मैं कल लंच होता है फिर लंच के बाद ही जाऊँगी। अब अभी जाती हूँ फटाफट, तब तक अनुराग भी आ जाएगा और मैं भी वापस आ जाऊँगी, तो मिलती हूँ आपको वापस आकर। तो फ्रेंड्स, मैं बैंक से आ गई हूँ और थोड़ी देर मैं चली गई थी नीचे सुजाता और मनीषा वगैरह के पास, वहाँ बैठे बैठे गप्पों में ज़्यादा टाइम हो गया, और अनुराग भी आ चुका है घर पे इसी बीच में, और अब देते हैं अनुराग को थोड़ा स्नैक्स नूक्स दूध वगैरह पीने के लिए। अनुराग तो पढ़ाई भी निकालना शुरू कर दिया, हम थोड़े ऐसे गहन विषय पर चर्चा कर रहे थे जिससे मैं कि मुझे टाइम लग गया इसलिए मैं थोड़ा सा लेट होगी। तो फ्रेंड्स, अभी हम पी रहे हैं चाय, हस्बैंड भी आ गए हैं तो हम चाय इंजॉय कर रहे हैं अभी। वैसे टाइम तो नहीं है चाय पीने का, 7:30 हो चुकी है शाम की, लेकिन अभी अभी आए हैं हस्बैंड, तो चाय पी लेते हैं और फिर मिलते हैं आपको उसके बाद। तो फ्रेंड, डिनर हमारा रेडी हो चुका है और हम अभी कर रहे हैं डिनर। डिनर में है हमारी जो कोल की दाल बनाई थी ना दिन को मैंने, वही है, और क्योंकि मैंने ही खाई थी, बाकी किसी ने खाई नहीं थी दिन को, तो बस डिनर में है कोल की दाल, थोड़ी सी पनीर की सब्जी, चटनी और ये सैलेड। तो बस अभी हम डिनर कर लेंगे, उसके बाद थोड़ी बहुत देर टीवी वगैरह देखेंगे, मैं वीडियो एडिट वगैरह करूँगी और उसके बाद सो जाएंगे, सुबह उठेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ बुशेरियन ब्लॉग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।